आबिल शेर अली साहब, सवाल एक मासूमाना सा राना अजीम साहब का ये है कि 28 मई तो हर साल आता है, तो हर साल छुट्टी क्यों नहीं दी, इस साल ही छुट्टी का सोच क्यों आई है? देखिए जी, छुट्टी इस मरतबा जो कौम की यकजहती के लिए जो अलहमदुल्ला माइल स्टोन अचीव किए हैं पाकिस्तान के लिए, वैसे भी छुट्टी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। अगर कौमी यकजहती के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने इसको एक 28 मई को कौमी सतह पर मनाने का ऐलान किया है। पहले इमरान खान साहब के दौर में भी कौमी सतह पर कोई त्यौहार होते थे तो उस वक्त तो इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती थी। तो अगर 28 मई के हवाले से जो भारत भी हमें ललकारता है कि हमने एक न्यूक्लियर पावर को ममता बना दिया है, अगर आपने उनकी स्पीच को सुना हो, तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल रैपिड रिस्पॉन्ड करना होगा और उसका यही जवाब है, मौका भी है, अंदाज भी है कि 28 मई को हम कौमी त्यौहार। आबिल शेर अली साहब, चूंकि मैं आपको जानता हूं, आप एक बहादुर आदमी हैं और एक बहादुर बाप के बेटे हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब से मेरा एक अच्छा तल्लुक, और अब जो बात करते हैं डट के करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपने अभी भारत की जिक्र किया है, तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक वीडियो आपने बड़ी देखी होगी, जब उनसे सवाल किया गया एटमी मुल्क, तो उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा था, वो आपने सुना होगा, आपने लाजमी सुना होगा। बिल्कुल, मैंने कल सुना उसकी तकरीर, मैंने सुनी जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर को मैंने भीखमंगता बना दिया, उसको तो मैंने यहाँ तक उसको नहीं, ये वो वाली नहीं, वो जो जिसमें वो कह रहा है कि मैं तो इस एटमी ताकत पे बगैर वीजे के चला गया। देखिए जी, वो अपना जो मर्जी वो कहे, लेकिन हम अपनी कौमी सोच रखने वाले पाकिस्तान, हमें खुद मुख्तार रियासत है, हमें इसकी डिग्निटी का सबसे ज्यादा एहसास है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मौजू वाली बात नहीं है कि 28 मई को कौमी दिन बना दिया छुट्टी का त्यौहार। पहले भी जब 28 मई हुआ था अवाइल में, तो इसको इसमें छुट्टी भी हो जाती थी इस त्यौहार में, लेकिन चंद वर्षों में नहीं हुई, तो कोई इतनी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको नेगेटिव पहलू से नहीं देखना चाहिए, हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोगों की यूनिटी बड़ी जरूरत है, अपने इदारों के साथ खड़ा होना बड़ा जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में कौमी सोच लाने की पाकिस्तानियों में जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की है कि इदारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। सर, इदारे सभी अपने होते हैं, ये इदारों में भी तफरीक नहीं होती, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर जुडिशरी के ऊपर बातें की जा रही हैं, और वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी की जाती हैं, बिलों को पेश करने की सूरत में भी की जाती हैं। इदारा चाहे एस्टेब्लिशमेंट का हो, जुडिशरी का हो, नैप का हो, या जो भी हो, पार्लियामेंट का हो, तमाम इदारे यकसा होते हैं और यकसा उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए, तभी हुकूमत मजबूत होती है। लेकिन ये तर्ज सियासत कितना मुश्किल हो जाएगा? आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यकसुई होनी चाहिए और एक इज्जत का पैमाना कहीं भी नहीं लबरेज होना चाहिए, कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए। तो जब आप बैठकर सियासतदानों को गालियां दें, चोर के, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की इज्जत लाजम मलजूम है। अगर आप आईनी बात करेंगे तो आईनी जवाब हो। जब आप अपनी आबिल शेर अली साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये तो बता दें, आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया कि मियाँ साहब जब सदर बन जाएंगे तो क्या बयानिया तब्दील होगा, तो उन्होंने उस पर मुस्कुराते हुए कहा कुछ अरसा सब्र कर ले, जो आप सुनना चाहते हैं वही होगा। तो क्या वाकई बयानिया तब्दील हो रहा है? मुझे तो नहीं पता कि राना सनाउल्लाह साहब किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करते हैं, वो अपनी बात के खुद जिम्मेदार है। मैं जो गुफ्तगु करता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है और सर, राना सनाउल्लाह साहब चीफ इलेक्शन कमीशन भी है आपके, चीफ इलेक्शन कमीशन और सदर भी है पंजाब के, वो भी है। लेकिन मेरी आरा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक जिम्मेदार सियासतदान भी हैं और वो मुल्क के 3 मरतबा मुंतखब, अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म भी बनाया,
तो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया डे वन से जो है अदारों के लिए भी अपने लिए, तो वो बयानियों को वो कंटिन्यू रखते हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे को कुल्हाड़े उठा ले, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, आप यही चाह रहे हैं, मोहतरम आपकी तो यही कह रही है कि आप कुल्हाड़े पकड़ लें, बस लड़ाई करें। तो ऐसा नहीं होता कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई म्यान में तलवार डाली है, वो हमेशा मुल्क की सलामती के लिए सलामती इदारों के साथ हैं, अपने आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। तो कोई उनसे तोखो करें कि वो दूसरी पटरियों पर जाते हैं, तो मैं जहाँ तक मैंने उनके साथ जिंदगी के अपने बेहतरीन 4 साल एक कमरे में गुजरे, उनसे सीखने का भी मौका मिला, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बेहतर और सबसे अच्छा जानता हूँ। तो जो उनका जो एक नजरिया है, जो वो डे वन से उनका है, तो वो आए बगाए उस पर गुफ्तगू भी करते हैं, तो वो कभी अपनी चीजों से मुनहरफ नहीं हुए। अंदाज आपको शायद उनका मुख्तलिफ लगे, लेकिन उनका जो बयानिया है, जो वो कहते हैं, वो कह छोड़ते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक, एक किसी के इशारों में या इशारों या कनात में बात नहीं करते, जो बात वो होती है वो बिल्कुल कहते हैं। तो वो पाकिस्तान के जो मसाइल भी उनके सामने हैं, पाकिस्तान की जो हालात हैं वो भी उनके सामने हैं, तो इन दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान की इकाइयों को इकट्ठा होकर चलने के। अच्छा, आबिद शेर अली साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पे जो बीती है वो गाहे बगाहे उसका तज़किरा करते हैं, उसी तज़किरे के ऊपर जो गवर्नर पंजाब हैं वो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब वो तज़किरा नहीं करना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनकी ज़्यादतियों का अजाला तो हो चुका कि छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर बन चुके और उनकी साहबजादी जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो अब वो कोई और नैरेटिव बनाएं। ये गवर्नर पंजाब ने कहा है, अब आपके इत्तेहादी हैं तो वो इस तरह की बात करेंगे? अगर गवर्नर पंजाब ने ये गुफ्तगू की है तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ उसकी, और उनको बिल्कुल इस तरह की गैर जरूरी बयान से इज्तनाब करना चाहिए, जिससे सियासी दर्जा हरारत बढ़े। और मैं समझता हूँ कि वो एक जिम्मेदार मनसब पे बैठे हैं और उनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, कि ना कि गैर जिम्मेदाराना वो बयान दें और एक नया चैप्टर खोल लें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर पंजाब को अपने बयानात और अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए और ऐसा ही बेजा ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कोई नफरत अंगेज लड़ाई या कोई बयानात की शुरुआत हो। तो मैं उनके बयान की भी मजम्मत करता हूँ और उनके रवैये की भी मजम्मत करता हूँ।